नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। आज जो गाड़ी आप सबके सामने लेके आया हूँ ना, इसकी इतनी हवा बना रखी है कि ये जो गाड़ी है लॉन्च हुई है, इसका एक लीटर का इंजन आता है जो सब बोलते हैं कि पोलो को ऐसी तैसी कर देगी, और जितनी भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैचबैक हैं सारी, चाहे i20 इनलाइन की बात करूँ या जो पुरानी फॉक्सवैगन पोलो GTI TSI आती थी, ये है मारुति सुजुकी की फ्रॉक्स। अब आज जो है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक लीटर वाला इंजन नहीं है, बट ये वो इंजन है, वही बात है, मारुति का सरकारी इंजन, जो कि ये बलेनो के अंदर भी देते हैं, जो कि स्विफ्ट के अंदर भी देते हैं, यानी कि 1.2 लीटर का 1200cc का डुअल जेट वाला NA इंजन, जो निकालते हैं अपना 89 BHP और 113 Nm का टॉर्क। बस इतनी पावर है, इससे ज़्यादा जो है इसके पावर के रिगार्डिंग बात मत करना। अब मारुति सुजुकी का फ़ायदा ये है, इनके जो इंजन होते हैं ना, पहली बात रिलायबल होते हैं, कैपेबल तो मैं नहीं मानूंगा, रिलायबल बहुत ज़्यादा होते हैं, और एवरेज इनकी ठीक निकल के आती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है वजन इतना ज़्यादा नहीं होता, पावर टू वेट रेशियो वाला फैक्टर यहाँ पर खेल जाता है, तभी जो है भारत मारुति को इतनी प्रेफरेंस देता है कि सेफ्टी को एक साइड कर देता है। बट इस गाड़ी की अगर बात करूँ, इसकी सेफ्टी रेटिंग तो खैर मेरे को पता नहीं कितनी है, बट सेफ्टी ना कहीं इसकी बोलते हैं कि ठीक है, अगर बलेनो और स्विफ्ट से कंपेयर करा जाए तो। आज जो है इस गाड़ी का जो है प्रॉपर रिव्यू लेके आऊँगा, जिसके अंदर इस गाड़ी को आराम से मैं चला के देखूँगा, दौड़ा के देखूँगा और चेक करूंगा, मतलब चलाते चलाते स्विफ्ट बलेनो से भी कंपेयर करके दिखाऊंगा कि उन गाड़ियों से कितना कुछ फ़र्क आपको इस गाड़ी के अंदर लगता है। तो सबसे पहली बात इसके वेरिएंट की बात करूं, ये है 1.2 डेल्टा प्लस, और बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है, मतलब बेस से ऊपर जो है डेल्टा आता है उसका भी ऑप्शनल वाला वेरिएंट लगा के चलो, बट वही सरकारी चाबी जो मारुति बहुत सालों से अपने नीचे मॉडल की गाड़ियों के अंदर देता है, लॉक अनलॉक, ठीक है, ये चाबी है, पुश बटन वाला सिस्टम इसके अंदर नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर DRL मिल जाता है LED वाले फंक्शन के साथ, और यहीं पे आपको जो है टर्निंग इंडिकेटर्स वाले फंक्शन भी यहाँ पर मिल जाएंगे। नीचे की बात करें, LED वाला सिस्टम आपको यहाँ सारा मिल जाता है। हेडलाइट्स जो है ना मारुति की LED के अंदर बहुत बढ़िया आती है, उनका थ्रो ब्राइटनेस बहुत बढ़िया होती है। यहाँ की बात करूँ तो लोगो वोगो बढ़िया अपना क्रोम का आपको दिख रखा है, इसका सुजुकी का भी लोगो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ग्रे कलर है ये, इस कलर के अंदर कहीं ना कहीं ये गाड़ी ठीक लगती है। अब लुक्स की बात करूँ, थोड़ी बहुत जो है ना ये समझ लो कि बलेनो ही है, बट उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया कि हल्का बहुत अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस का इशू कभी हैचबैक के अंदर आए तो हल्की सी क्रॉसओवर वाली फीलिंग आप यहां पर ले सकते हो। सामने लुक्स में इतने था। इसका अलॉय के ऊपर आऊं तो अलॉय भी आपको इस वेरिएंट के अंदर मिलते हैं, चाहे आपको चाबी इतनी नकली मिले, अलॉय भी आपको मिलेंगे 195/60R16 16 इंच के जो है अलॉय मिलते हैं, वे भी ग्रेइश ब्लैकिश कलर के अंदर है ये, ठीक है। गाड़ी की लुक बताऊं ना, आगे पीछे से थोड़ी स्पोर्टी अपीलिंग के साथ आती है, साइड में आप देखोगे तो ठीक है, बोनट आपको फ्लैट आउट मिलता है, यहाँ से भी आपको जो है ठीक ठाक लुक्स इस गाड़ी के मिल जाते हैं, थोड़े से अपीलिंग लगते हैं। वाइट कलर में तो बहुत ज़्यादा ही स्पोर्टी लगती है, क्योंकि इसकी पीछे अगर टेल लाइट्स पे आऊँ तो कहीं ना कहीं ब्लैक इंसर्ट के साथ बहुत प्यारी इनने टेल लाइट, मेरे को टेल लाइट इनकी अच्छी लगती है जेन्युइनली। प्रॉपर जो है LED वाला आपको मिल जाएगा, ये तो है ही LED में, टर्निंग इंडिकेटर और रिवर्स वाला, ये सारा जो है आपको LED वाले फंक्शन के साथ मिल जाएगा। पीछे फ्रॉक्स की ब्रांडिंग, यहाँ पर जो है मारुति सुजुकी का लोगो, 1, 2, 3, 4 जो है इसके अंदर पार्किंग सेंसर, और अनलॉक करके इसकी दो बार, एक तो ये बहुत सिस्टम है, बहुत हल्के से जो है खुल जाता है, कैमरा नहीं है इसके अंदर, रिवर्स कैमरा नहीं है। बाकी जिस चीज़ के लिए बूट होता है गाड़ी के अंदर, आपको जो है बूट मिल जाता है, पूरा सामान इसके अंदर रखा गया है, सामान की अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस आपको पीछे मिल जाएगी, यहाँ से जो है आप नीचे कर सकते हो, एक सेकंड कर दिया नीचे। तो लुक्स बाहर से जो है इतना ही है, पीछे मैंने आपको दिखा दिया है, नीचे एक बात करूँ तो बम्पर पे भी आपको पीछे अच्छा खासा स्पोर्टी अपीलिंग वाले लुक्स इस गाड़ी के अंदर दे रखे हैं। बाहर जो है इतना ज़्यादा आपको बात करने को नहीं है। इसके कटीले लुक्स की बात करूँ, नैनक्स मैंने आपको बता दिया थोड़े कटीले हैं, बॉक्सी डिज़ाइन आपको इसके अंदर मिलेगा, और स्पोर्टी जो है ना, स्पोर्टी नेचर मेरे को इस गाड़ी का कहीं ना कहीं लगता है, चलने में तो खैर चलने वाले टाइम पर बात करेंगे। आते हैं पीछे इसकी स्पेस की बात करता हूँ, तो बलेनो ना जब आई थी तब वो गाड़ी ना एक चीज़ के लिए बड़ी फेमस थी, वो हैचबैक ज़रूर थी पर उसके अंदर स्पेस बहुत बढ़िया थी, उसी गाड़ी के ऊपर ये बेस्ड है कहीं ना कहीं। यहाँ बात करें तो आपको फैब्रिक वाला ट्रीटमेंट मिलता है, लेदर यहाँ नहीं मिलता, वही सरकारी मारुति के स्विच, वही मारुति का जो है डोर हैंडल। ये तो चलो इस गाड़ी के अंदर बलेनो के ORVM दे रखे, वरना मोस्ट गाड़ियों में ना सेम से ही ORVM यूज़ करते हैं। अब आगे जो सीट है ना, ये बिल्कुल पीछे हो रखी है, अच्छे से जो है ढंग से लटा रखी है, उसके बावजूद भी ना स्पेस आपको अच्छी खासी यहाँ पर मिल जाती है, 6 फुट हाइट है तो ठीक मिल रही है स्पेस, कोई
अंडर थाई सपोर्ट इसका बहुत बढ़िया है, सीटों का कंफर्ट भी सही है। बाकी सीटों का साइज मेरे को थोड़ा छोटा लगा, आप तीन जने अगर हेल्दी हेल्दी बैठो तो बहुत मुश्किल आओगे। दो लोगों के लिए तो है ठीक, नीचे बीच में कोई आपको सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलने वाला, यहाँ पर भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, ना कोई आपको जो है एसी वेंट मिलते, एक चार्जिंग का 12 वोल्ट का आपको जरूर मिल जाता है, वो काम का है। और पीछे आप यहाँ कोई फोन वोन रखना चाहो तो थोड़ा बहुत आपको स्टोरेज स्पेस यहाँ पर मिल जाएगी। बॉटल होल्डर ठीक है, थोड़ी बहुत जो जगह है सही है। सीटों का कंफर्ट अच्छा है, बट सीटें थोड़ी सी मेरे को पतली पतली लगी पीछे की, पतली इन द सेंस विथ ना पीछे की सीटों की कम है, आगे जो है आपको स्पेस ठीक मिलती है बट पीछे उतना स्पेशियस मामला नहीं है। हेडरूम की भी बात करूँ ठीक है, बट थोड़ा सा आपको जो है सीधा सीधा बैठना पड़ता है, तो बिल्कुल ही थोड़ा सा हेडरूम बचा हुआ आप देख सकते हो अगर दिख रहा होगा। बाकी पीछे इतना ही था बात करने को, ठीक है थोड़ा सा आपको फंसा फंसा फील होगा स्पेस के हिसाब से, तो पीछे बात करने को इतना ही था। जो नीचे का फ्लोर है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं है, बीच में आपको हल्का सा मैनुअल ट्रांसमिशन की वजह से हम्प मिलने वाला है। बाकी मैं ना इस गाड़ी की परफॉर्मेंस में चेक करूँगा, तो चलते हैं ड्राइविंग सीट के ऊपर, आ जा बैठ जा। ठीक है जी, पहले ड्राइविंग की तरफ आपको ले चले, तो पैसिव एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि वही पुरानी घिसी पिटी चाबी इनकी मारुति वालों की। यहाँ की बात करें तो ड्राइवर साइड आपको ऑटो वन टच अप डाउन जरूर मिलेगा, बाकी बिल्कुल नॉमिनल मामला है। ऑटो फोल्ड जो आपको आरबीएम जरूर मिल जाएंगे, अंदर से आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो इसको, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करो ठीक है। लॉक एंड लॉक के स्विच आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, वही फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, और ये जो कलर स्कीम है ना जो इनकी ब्रेजा है उसमें भी यूज़ करेंगे, जो इनकी ग्रैंड विटार है उसके अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, बलेनो के अंदर भी और इसके अंदर भी, तो थोड़ा सा अलग अलग होना चाहिए। बॉटल होल्डर बिल्कुल जो है बड़ी आराम से यहाँ पर बॉटल सजा रखी है। बाकी इसके अंदर हाइट एडजस्ट वाला नहीं है ना, हाइट एडजस्ट वाला मामला नहीं है, आई डोंट लाइक दिस यार, गलत बात है। पर यह है स्टेयरिंग ज़रूर आपका एडजस्ट हो जाता है ऊपर नीचे आराम से, बिल्कुल ही लटा रखी है। चलो पहले जो है गाड़ी को हल्का सा स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। अब मारुति का ये स्टार्ट कर लेते हो ना, ना गाड़ी के अंदर कोई वाइब्रेशन आती, ना गाड़ी के अंदर कोई नॉइज आती है। एसी अगर बंद कर लो ना आपको इतनी सी भी आवाज नहीं आती गाड़ी के अंदर तिनके भर की। बाकी यहाँ बात करें तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर इस गाड़ी के अंदर मिलता है, ट्रैक्शन ऑफ करना चाहो तो उसका भी बटन आपको यहाँ मिल जाएगा, हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ मिल जाएगा, वही जो है मारुति का स्टेयरिंग ठीक है जी, फ्लैट बॉटम आपको जरूर मिलेगा स्पोर्टी फील के लिए, कंपनी से लगाया था ये। चलो कुछ तो दिए ना, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में, वो भी वायरलेस। बाकी यहाँ बात करें तो 8000 तक की आरपीएम की मार्किंग, 220 तक की स्पीड। फ्यूल की बात करें तो देखो यहाँ पर गेज आपको यहाँ मिल गया, इंजन टेम्परेचर का आपको यहाँ मिल गया, वाइपर के स्विच आपको यहाँ मिल गए, और नॉर्मल जो है डिपर विपर मारो अपना नॉर्मल। ओ ऑटो हेडलैम्प भी है इसके अंदर, नाइस ऑटो एसी भी आपको मिल जाएगा। देखो फीचर यहाँ पर हैं, ठीक ठाक फीचर है, ज़रूरत वाले जो मैं अपने पर्सनल फीचर मानता हूँ, जैसे एक हैंड रेस्ट की कमी मेरे को बहुत ज़्यादा लगी आगे पीछे। बाकी ये जो है ना यूटिलिटी एरिया वाला, ये जो इन्हें सेंटर कंसोल बनाया ना, ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, मतलब कोई आउटडेटेड डिज़ाइन नहीं है। दो कप होल्डर यहाँ पर, सामान आप खुला उल्ला यहाँ रख सकते हो आराम से, 12 वोल्ट का यहाँ पर नॉर्मल आप यूएसबी लगाना चाहो यहाँ, पूरा एसी का कंट्रोल आपको यहाँ मिल गया, वही स्क्रीन एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली, जो मारुति का इंटरफेस देखो सारा सेम है, कोई यहाँ पर नहीं है, ये थोड़ी अलग फिनिश यहाँ पर देने की कोशिश इन्हें करी। अब मारुति का ठीक है यार, इंटीरियर ठीक ही फील करता है, बहुत ज़्यादा चीप भी फील नहीं करता, बट कहीं ना कहीं हल्की क्वालिटी तो आपको लगेगी, ख़राब नहीं है अंदर ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। स्टेयरिंग की बात करूँ तो ऑडियो कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये जो है ना ट्रिप व्रिप सेट करने के लिए कितनी लंबा तो इनने ये दे रखा है, ये 1000 किलोमीटर चली है अभी तक, बताओ एवरेज 14.3 दिखा रही है, एवरेज कम दे रही है हा? अच्छा आप चलाते भी तो खींचिए हो, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ की बात करें देखो सारा जो है वाइन कलर का इन्हें इंटीरियर दे रखा है, और ये खोलूंगा नहीं, इसके अंदर स्पेस ठीक सी है, मतलब थोड़ा सामान वहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ बात करें तो क्या रखना चाहोगे इतनी सी जगह पे, यहाँ पर आप आर्मरेस्ट दे देते इस मॉडल में, मैं तो क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। हैंड ब्रेक ठीक है, 5 स्पीड का यूनिट है, 6 गियर हो तो और अच्छा लगता है। तो इंटीरियर में इतना ही था, चलते हैं इस गाड़ी को ड्राइव करते फिर पता लगाते हैं चलाने में कैसी है ये। तो करे देखो सबसे पहली चीज मैंने हल्की सी नोटिस करी, गियर डाला एक्सलरेटर में नहीं दबाऊंगा, पैर पैर नीचे। आप इसकी आरपीएम की सुई देख रहे हैं एक बार,
हल्की सी जो है ना आरपीएम अपने आप ऊपर हो जाती है। इसका ये फायदा है, आप अगर शहर के अंदर चला रहे हो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर गाड़ी को चला रहे हो, देखो अपने आप जो है आरपीएम हल्की हल्की फालतू है। इसका ये जरूर एक फायदा लगा मेरे को, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जो है आपको बहुत ज्यादा रेस के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। सेकंड गियर लगाया, उठ गई गाड़ी आराम से। तो ये जो 1200 सीसी का इनका इंजन है, 89 bhp 113 Nm टॉर्क का, यही इंजन इनका बलेनो के अंदर, यही इंजन इनका स्विफ्ट के अंदर, तो पावर डिलीवरी उतनी ही है। और तीनों गाड़ियों के अंदर जो है वजन का बहुत ज्यादा फर्क है, नहीं 19-20 का फर्क होगा, तो उस हिसाब से जो है पावर का उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला कि डिलीवरी हल्की है फालतू है। दोनों गाड़ी जो है परफॉर्मेंस, तीनों गाड़ी एक्चुअली परफॉर्मेंस इक्विवेलेंट देंगी आपको। अब यहाँ पर जो है आपको गियर की मार्किंग जरूर मिलने वाली, तीसरे में है आरपीएम हल्की सी फालतू गई तो बोल देंगे चौथे में लगा दो। भाई मारुति है, बच के दोस्त, डेंजरस कार। तो सबसे पहली चीज मारुति की मेरे को एक चीज ठीक लगती है, गाड़ी की चलाओ ना इनके इंटीरियर में कोई नॉइज नहीं आती, ठीक है। थ्रू आउट द इयर्स मेरे को मतलब मारुति की गाड़ियों के अंदर ऐसी कंप्लेंट कम आती है कि जो है इंटीरियर बहुत ज्यादा बज रहा हो। अरे 80 फील नहीं होने देती यार, मतलब हाँ फ्रॉन्क्स की ये चीज मैंने एकदम जो है इमीडिएटली नोटिस कर ली। स्विफ्ट या बलेनो जो है ना अगर 80-100 की स्पीड पकड़ लेती है थोड़ी सी यूं लगती है कि यार सेफ नहीं है। ये 80 की स्पीड पे भी ना बहुत ज्यादा ऐसे लगती है कि 60-70 पे चल रही है, हल्का सा बिल्कुल हल्की सी जो है ना इस चीज में इन्हें जर्मन वाली फील दी है कि स्पीड खींच लो तुम, हम बहुत ज्यादा तुम्हें फील होने नहीं देंगे। पावर डिलीवरी उतनी क्विक नहीं है, आपको जो है कोई पुशबैक फील नहीं होने वाला, आवाज आवाज करती रहेगी, खींचेगी भी बट फील नहीं होने देगी आपको। देखो इस गाड़ी को बहुत ज्यादा खींचने का फायदा नहीं है, पहली चीज ठीक है स्पीड ये चढ़ जाएगी, बट अगर आप गाड़ी स्पीड से ज्यादा फील के लिए खरीदते हो ना कि मेरे को फील हो कि हाँ यार थोड़ा तेज चल रहा हूँ मैं, वो फील तो आपको नहीं मिलने वाली है। देखो धीरे 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 चलेगी, और मेरे चलते ही फिर कोई ना कोई आ जाता है, वेलकम टू गुड़गांव। ये देखो सेकंड गियर 80, ठीक है परफॉर्मेंस में मेरे को कोई खराबी नहीं लगी, ठीक है एकदम इमीडिएटली आपको जो है कोई यू नहीं है कि गाड़ी उठा के फेंकने वाली है, बट फील गाड़ी के अंदर बेटर है अगर मैं कंपेयर करूँ स्विफ्ट या बलेनो से। और इतनी पावर डिलीवरी जो है मेरे को i20, जो अब i20 आती है 1.2 पेट्रोल, उसकी भी ऐसी सी लगती है। स्टेयरिंग की बात करें तो एज यूजुअल मारुति का स्टेयरिंग उतना बेहतरीन नहीं होता जितना और गाड़ी आपको फीडबैक देंगी। ह्युंडई की अगर बात करूँ, ह्युंडई के स्टेयरिंग जितनी कॉम्पीट तो मारुति की नहीं करूँगा। अब देखो 100 पे चल रही है, गाड़ी की फील ठीक थी, 100 के ऊपर यूँ नहीं लग रहा गाड़ी जो है कि डिसबैलेंस हो रही हो, डगमगा रही हो, आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश हो रही हो। अच्छी गाड़ी यार, बट फिर भाई अगर मारुति का लोगो ना होता ना तो और ज़्यादा अच्छी लगती। ट्रैक्शन ऑफ करते हैं, फिर एक जो है दबा के रखते हैं, ट्रैक्शन ऑफ, यहाँ पर आ गया ऑटो स्टार्ट स्टॉप, खींचे उतनी फील नहीं आ रही यार, स्पीड तो पकड़ रही है, लो 100 चढ़ गई, स्पीड पकड़ लेती है अपनी, मेरे ख्याल में 10-11 सेकंड में पकड़ ली होगी, बट वो फील आती है ना ड्राइव में कि हाँ गाड़ी खींच रही है, खींचने वाली फील नहीं आती। ये एक मेरे को डाउनसाइड लगा गाड़ी के, इस इंजन की बात है। गाड़ी की अगर फील की बात करूँ, देखो सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, ब्रेकिंग भी ठीक है, मेरे को ब्रेकिंग में कोई आपत्ति नहीं लगी, स्टेयरिंग भी वही है मारुति वाला है, इसके अंदर आप ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। 1 लीटर वाला जो इंजन है इसका, फिर तो मैं समझ सकता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होगा क्योंकि वो टर्बो है। ड्राइविंग फील गाड़ी की अच्छी है, इसका सस्पेंशन सेटअप बहुत प्यारा लगा मेरे को, सस्पेंशन इसका। बाकी हाईवे पे ड्राइविंग के लिए गाड़ी जो है बहुत बेहतरीन है, इतना मैं समझ गया, और शहर के लिए भी बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि स्टेयरिंग वेयरिंग जो है सारा सिस्टम बहुत प्यारा है इसका। इंजन वाली वही बात है यार,
एकदम खींचना चाहो तो खींचने वाला फैक्टर है नहीं, खींच जरूर जाएगी आपको फील देगी नहीं। और गियर शिफ्ट की बात करूँ, क्लच की बात करूँ, क्लच जो है इतना भी हल्का नहीं है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा अजीब फील करवाए, परफेक्टली वेटेड अप, बढ़िया क्लच है, आपको भारी नहीं लगने वाला। चलाओगे डेली आप इसको, जाम के अंदर चलाओगे, हाईवे पे भी चलाओगे, शिफ्ट बढ़िया है इसकी। इसकी बाइट जो है ना क्लच की, मेरे को बहुत बेहतरीन लगी। आप ना कई क्लच ऐसे होते हैं ना कंफ्यूज कर देते हैं नई बंदे को कि कब छोड़ना है, छोड़ते या तो बिल्कुल ही छूट जाता है। बाउंस बैक वाली चीज़ नहीं है, आराम से जो है, अरे देखो पर्पल कलर की क्रेटा इन लाइन चलते हुए, नाइस चढ़ रही है, धीरे धीरे चढ़ रही है, शोर बहुत ज़्यादा मचाते हुए पर चढ़ जाती है। अब स्टेयरिंग है देखो, हल्का लेफ्ट में तो लेफ्ट भागती रहेगी, मारुति की ये चीज़ लगती है मेरे को अजीब। ये देखो राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, ये स्टेयरिंग में हल्की सी परेशानी मारुति के मेरे को लगती है। अब जो बंदा, हाँ ये मारुति के अंदर सारी गाड़ियों में है ये। अब जो बंदे हुंडई चलाते हैं ना, मान लो i20 चला रहे हैं, उसको इस गाड़ी के अंदर उतने मज़े नहीं आएंगे क्योंकि इंजन का रिस्पॉन्स वैसा सा है, कुछ स्पेशल नहीं लगेगा उस बंदे को इस गाड़ी के अंदर। बट इंडिविजुअली इस गाड़ी को देखे ना तो इसके जो कंपटीटर है, इसी के भाई बहन, मान लो स्विफ्ट है, मान लो बलेनो है, उससे कुछ ना कुछ जो है हल्के फुलके जो है थोड़ी सी गाड़ी है महंगी होगी। बट ओवरऑल इस गाड़ी की फील की बात करूँ तो उन दोनों गाड़ियों से कहीं ना कहीं मेरे को तो बेटर फील करवा रही है, चाहे मैं इंटीरियर की बात करूँ, चाहे स्पेस की बात करूँ। इसका जो बोनट है, बोनट भी आपको हल्का बहुत दिखता है, तो क्रॉसओवर वाली जो फील है इस गाड़ी के अंदर बकायदा है, इसके अंदर कोई आपत्ति नहीं है। हल्की सी घुमा लेते हैं, स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा हल्का, शहर के लिए तो है गाड़ी परफेक्ट। ये घुमाया आंटी है भाई, कोई ना आंटी ध्यान रखते हुए, आंटी प्लीज बुला ले, आंटी तो भाई आंटी, मेरे को बहुत डर लगता है आंटियों से। देखो थर्ड गियर, मतलब आपको ना यूं लगेगा कि 2000 से ऊपर आप अननेसेसरी इस गाड़ी को जो है रेव कर रहे हो। ये है कि आराम से चलाओ, तो वो होता है ना कि क्रूजिंग टाइप की गाड़ी, आप इसको हाईवे पे चलाओगे ठीक है। हाँ ये है, अगर 80-100 पे आप इसको पांचवे गियर पे लगा रहे हो तो छठे गियर की आपको 110% इसकी जो है कमी महसूस होगी, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना इंजन अनईजी सा हो जाता है, परेशान सा हो जाता है। ये फैमिली कार ज़्यादा है हमारी एज के लिए। अब भाई ये जो भी है इस गाड़ी का, देखो मेन मुद्दा मैं बताऊँ किनको लेनी चाहिए। जो स्विफ्ट और बलेनो प्रीफर करते हैं ना, चलो स्विफ्ट भी कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा इस गाड़ी से थोड़ी सी कम वजन की है, उसका फायदा ये है वो गाड़ी ज़्यादा पेपी फील होती है। बट आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपका परिवार भी यूज़ करे, आपको कोई दिक्कत ना हो, थोड़ी बहुत जो है उनसे सेफ हो, माइलेज भी गाड़ी की ठीक हो मारुति के हिसाब से। और फिर मारुति लेते ही वो हैं यार जिनको माइलेज का कंसर्न होता है, और जो नॉनसेंस बंदे होते हैं ना कि गाड़ी कभी हमारा ज़्यादा खर्चा ना मांगे। अगर पहली बात तो आपको वहम है, अगर आपको लगता है कि मारुति की गाड़ियों की सर्विस सस्ती होती है, कंपनी में ही ना है बहुत पैसे लेते हैं ये, बाहर करवाओगे तो कोई भी इन गाड़ी को छेड़ लेता है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। नाइस, खींचते हुए आराम से खींच रही है, सैतालीस से 36 हो गई यार, माइलेज थोड़ी। अबे देख 80 पे पांच वगैरह लगा लिया तो 2000 आरपीएम पे हूँ, अगर 100 पे मैं क्रूज करूंगा ना इंजन अनईजी हो जाता है। एक छठे गियर की पहली बात बहुत ज्यादा जरूरत है इस गाड़ी के अंदर, दूसरी चीज गाड़ी का वजन जो है स्विफ्ट और बलेनो से ज्यादा है, उस वजह से गाड़ी उतनी पेपी आपको फील नहीं होगी, और पेपी फील करने के चक्कर में आप अननेसेसरीली इस गाड़ी को जो रेव करोगे फिर जो है ये गाड़ी माइलेज तो आपको बिल्कुल नहीं देगी। अगर आपको चाहिए फ्रॉन्क्स जो फैमिली के उससे भी ठीक हो, परफॉर्मेंस भी आपको चाहिए हो, तो ऑब्वियसली इसका 1 लीटर वाला वर्जन लेना। परफॉर्मेंस वाला मामला नहीं है, आपको एक गाड़ी चाहिए फैमिली के, या आपके जो है पिताजी इस्तेमाल करना चाहते हैं, माताजी इस्तेमाल करना चाहती है, रोज़ जो है आपका शहर वहर के अंदर घूमना है, क्योंकि शहर के अंदर भी आप कितनी ही खींच सकते हो गाड़ी, एक कॉमन सेंस बताओ, हल्की सी दिल्ली विल्ली में रह रहे 50-60 से ऊपर तो चलाना आ जाएगा तुम्हारा। और जगह भी होनी चाहिए यार गाड़ी खींचने लायक, उस हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ठीक इंजन है। माइलेज मेरे को थोड़ी सी लगा कि यार माइलेज वही है, आपके हाथ में आराम से चलाओगे तो माइलेज ठीक देगी, आप इसको खींचोगे पहली बात तो कि यार ये उतनी पेपी फील क्यों नहीं हो रही, और पेपी ना फील होने की वजह से जो है
खींचोगे फिर आपको जो है माइलेज उतनी बढ़िया गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगी। बट ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताऊं, ये गाड़ी मच बेटर है अगर मैं बलेनो और स्विफ्ट से कंपेयर करूं ड्राइव के हिसाब से। गाड़ी के अंदर कभी आपको जो है कोई शोर वोर नहीं आने वाला है किसी भी प्रकार का। और सस्पेंशन सेटअप की बात करूं, सीट्स की बात करूं, सब कुछ कंफर्टेबल है। गाड़ी ड्राइव करने में कंफर्टेबल जरूर है। बाकी अगर आप जो है इस गाड़ी को ओन करते हो, फ्रॉन्क्स का 1 लीटर वाला 1.2 वर्जन यूज ओन करते हो, या आप सोच रहे हो कि मारुति की इन तीन गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ले, आपको कंफ्यूजन है, मैं कहूँगा ये लेना आप। हो सकता है कि थोड़ी सी आपको लगे गाड़ी पेपी कम है, बट हल्की सी सेफ फील होगी, हल्की सी चलाने में आपको जो है उससे और जो है स्विफ्ट से बेटर ये गाड़ी फील होने वाली है। बाकी यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए आपको पता है कि अगर ना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें भी ना मत जाना। ये यार फिर बंद हो गई। मिलते अगली वीडियो में, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये खड़ी थे शेर।